बाकी कितना काम रह गया आपको? नो सर, बस कटलरी लगानी। आप जाइए, हम कर लेंगे। ठीक, थैंक यू। अच्छा, तो मामा पे इंप्रेशन डाला जा रहा है अच्छी बहू बनने का। एक बात बताओ, अगर मैं मामा से अभी बात करूं हमारे बारे में तो क्या वो मान जाएंगी? ये मैं कैसे बता सकती हूँ, ये तो आप जज करेंगे ना। What if वो ना मानी? ठीक है, तो मेरी शादी भी कहीं और हो जाएगी। Fair enough। तो मैं भी फिर एक काम करूंगा कि मामा की मर्जी की उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। ना वो प्योर ऑन माइंड, राइट? हेलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? पूछा तुमसे किसी और से शादी हो जाए, यू डोंट माइंड, राइट? परमिशन ले रहा हूँ यार। यही तो करना है आपने। मैं ही पागल हूँ जो पता नहीं क्या क्या तो सोच रही होती हूँ। मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया तुम्हें? मजाक नहीं कर रहे थे आप ऐसा सोचते हैं तभी आप बार बार मजाक में इस तरीके की बात करते हैं। मैं तो कभी ऐसे नहीं कहती क्योंकि मैं ऐसा सोचती भी नहीं। अगर कभी मजाक में कह भी दूं तो डर जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ। अगर आप हर वक्त कहते रहते। नशीन, हम दोनों इसी घर में हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। एंड आई एम सॉरी, मैं आज के बाद हमारे दरमियान किसी दूसरे तीसरे को नहीं लाऊंगा, मजाक में भी नहीं। ओके? एक सेकंड कंफर्म कर लेता हूँ। सर अपना हाथ दिखाओ, ये देखो तुम्हारा हाथ। अरे यार माशाल्लाह, यू सो लकी, हमजा लिखा हुआ है। ये देखो मेरे नाम पे दिलनशीन लिखा है। फॉर यू दैट इज दिस। हमजा, मैं ये नहीं दे सकती। जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे वापस आने का काउंटडाउन शुरू करना। हमजा प्लीज नहीं, अगर अम्मी और भाई ने देख लिया तो। देखो बहुत अच्छी है मगर मैं ये नहीं ले सकती। अगर अम्मी और भाई ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। प्रॉब्लम है, कह देना कि मामा ने दी है। ठीक है।